लोग तो सभी एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज न्यू सुबह हो चुकी है और आज है 8 तारीख, 8 तारीख है और कल मेरा पेपर 9 तारीख, इसलिए मुझे याद है कि आज 8 तारीख है और 8 तारीख की सुबह अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी हम आए हैं अपने बगीचे में, राइट। और आज मैं आपको बताऊंगी, मतलब हम पहाड़ों में रहते हैं तो पहाड़ों पे जो क्या क्या काम होता है, क्या क्या करते हैं जब सर्दियों का टाइम आता है। मतलब बर्फ से पहले ना हमारे को जो ये एप्पल सेब वगैरह लगे हैं ना, इनकी खुदाई, मतलब बोलते हैं ना इनकी गुलाई वगैरह करनी पड़ती है, सारी चीजें तौलिए बोलते हैं इनको हमारी लोकल लैंग्वेज में, मतलब इनके राउंड राउंड हमारे को सारे पे गुलाई करनी पड़ती है। ये होता है बर्फ के पड़ने से पहले ये काम करना पड़ता है ताकि बर्फ इसमें अंदर जाए जब पड़ती है ना, ताकि अंदर जड़ों तक वो पानी इसमें रिस सके, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे आए हैं तौलिया वगैरह करने, और अभी मेरी जो कैमरामैन बनी है वो मेरी मम्मी बने, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा इतनी सर्दी में मैं आई हूँ हाँ बाजू में, क्योंकि यार ऑब्वियसली सी बात है काम करते टाइम ठंड वगैरह नहीं लगती है, तब गर्मी आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, स्वेटर ही डाला ताकि पेट में ठंडी ना लगे, बाजू में तो ठंडी नहीं। और मेरे भाई बहन को मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ पे है, और ये देखो गाइज मेरे भाई बहन छोटे छोटे, यार इनके तो बढ़िया मजे हैं, कैसे खेल रहे हैं ये देखो दूसरा आ रहा है एक जा रहा है, इनके मजे लगे हैं ये देखो, शाबाश शाबाश बच्चों। अभी दो बहनें मेरे आने को बाकी है, ये मम्मी कर रहे हैं, और जो अंजू है वो चली गई है दिया के घर, और उसके मजे हैं सच्ची में, मतलब कि उसकी फ्रेंड ना यार मोहोग से है और वो मोहोग चली गई एक हफ्ते के लिए। और अगर मैं बात करूँ मेरे फ्रेंड पता कहाँ से, एक मेरे घर के पास ऐसे 5 मिनट की दूरी पे, 7 मिनट की दूरी पे मेरे वो फ्रेंड्स, मैंने कभी भी कॉलेज टाइम पे यार फ्रेंड्स नहीं बनाए, मतलब ऐसे फ्रेंड्स है हेलो हाई फ्रेंड बोलते रहे, क्लोज फ्रेंड वो नहीं बनाए कभी भी। इवन मतलब हम रहते थे, हम अपने में ही मस्त रहते थे, बट मेरी बहन के मजे है वो मोहोग चली गई बढ़िया से इंजॉय करने, वो एक हफ्ते बाद ही आएगी। और अभी हम मैं भी कर लेती हूँ यहाँ का काम, जिससे कि मम्मी मुझे 2-4 पेड़े मार दे उससे पहले मैं भी कर लेती हूँ यहाँ का काम। और ये देख सकते हैं आप लोग, मेरी मम्मी अभी प्रोनिंग कर रहे हैं, मेरी मम्मी को सारे काम आते हैं गाइस, सारे काम, इनकी बेटी को भी सारे काम आते हैं, मुझे भी गाइस सारे काम आते हैं सिवाय खाना बनाने के, वो नहीं होता मुझसे, खाने में मुझे खिचड़ी बनानी आती है, बाकी मुझे सारे काम आते हैं, ऐसे कामों के लिए मैं माहिर हूँ, वैसे भी सारे, मतलब बाहर वाले काम मुझे गाय वगैरह ये सारी चीजें मुझे जितने मर्जी करा दो मैं कर लूंगी, बट खाना नहीं बनता है, उसमें मेरे को खिचड़ी आती है एक बनानी, कभी मैं पूछ लेती हूँ किसी से वो मुझे बता दे फिर वैसे वैसे करके, बट मेरी मम्मी को सारे काम आते हैं, सेम मैं भी हूँ, मुझे सारे काम आते हैं एक काम को छोड़ के। मम्मी कहाँ कहाँ से करनी पड़ती है कटिंग बताएंगे आप, हैं कौन कौन से शूट इनके काटने पड़ते हैं, जीरो कट क्या होता है, यहाँ का व्यू भी गाइस काफी प्यारा है, ये देख लो कितना ही अच्छा लगता है ऐसे पहाड़ों में, भाई मेरे तो मजे लगते हैं वनों में, मतलब मुझे तो अपना घर भी ऐसी ही जगह पे बनाना है जहाँ पे पेड़ ही पेड़ हो, मेरे नानू के घर में ऐसे बहुत सारे पेड़ है, जब मैं गई थी ना पिछली बार मजा ही आ गया, करो करो मम्मी सत्यानाश पता नहीं कैसी कटिंग करते हैं यार, मम्मी भी में कौन से होते हैं ये बताओ, इसमें लगते हैं सेब, ओ इसमें लगेंगे सेब गाइस, अभी बहुत सारे पेड़ ऊपर तक है कटिंग करने को, और एक मेरी बहन उधर है पूजू इसका नाम है, ये भी कर रही है, और इसकी ना एक भी काम नहीं होता, अभी ने गानों के तो फोन में अभी गाने लगा रही है,
गाइज मुझे बोला है स्किल टिमर डालने को मम्मी ने, जो इसको बोलते हैं चलारू, बट अगर मैं अपनी मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं जो ये पेड़ नहीं है देवदार के, इनसे गिरा है जो ये मतलब बिल्कुल जैसे पत्ते सूख जाते हैं इसकी ये साइड वाली साइड वाली, तो इसको बोलते हैं चलारू, हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में छैन। तभी मम्मी ने बोला कि स्किल टिमर डाल सारे, तो मैं किल टिमर डालने की कोशिश कर रही हूँ फटाफट से। उधर बहुत सारा है, अब पता ये किसके काम आएगा, आग जलाने के काम भी आ जाएगा और हमाम भी जल जाएगा। वैसे तो गीजर यूज नहीं करते हैं आजकल, बिकॉज यार बहुत ही वो आ जाती है फिर लाइटिंग। हाँ जी मम्मी, अच्छा ये बोल रहे हैं उसको तो लाइटिंग भी है, मतलब बहुत ही खर्चा आ जाता है, तो पापा बोलते हैं आजकल तो हमाम ही यूज करो, तो हाँ हमाम भी यूज करते हैं। अभी मैं डालती हूँ फटाफट। ऐसे करते हैं हमारे यहाँ गाइस, बिल्कुल मतलब जो बीस का ऐसे ना ऐसे करके करेंगे गुलाई। और अगर मैं बात करूँ बीस से ना, इस पे ऐसा भी करना पड़ता है, ये देख लो इस तरह से पूरा, ताकि ये जो है सारी मतलब जो बर्फ है वो इस पे गिरे और फिर पानी रिसता रहे और इसकी जड़ों तक पहुंच पाए। ये पूजू है, इसने आग जलाई है ऊपर। गाइस अभी जा रही हूँ मैं ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि मुझे बोला है गोबर बिछाने के लिए, ठीक है, तो मैं फटाफट से एक गोबर बिछाने का काम करती हूँ एंड आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे बिछाती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ना मतलब आज संडे है ना, तभी हमारे को इतना काम करना पड़ता है, क्योंकि हम सब बहनें ना संडे के दिन पे ही घर पे मिलते हैं, क्योंकि इनके स्कूल होते हैं, मेरा कॉलेज प्लस ऑफिस होता है, तो मैं हम वहाँ पे बिजी होते हैं, तो आज का ही दिन मिलता है हमारे को काम करने के लिए। और जो भी ऐसे बड़ा बड़ा काम होता है वो हम ना संडे के दिन ही हमेशा करते हैं, तो अभी मैं भी फटाफट से कर लेती हूँ यार अब गोबर बिछाने का काम, क्योंकि अब बोला है मम्मी ने कि तौलिए ना बहुत ही हार्ड हो रहे हैं नीचे से, मतलब जो यहाँ पे है ना हार्ड है बहुत ज़्यादा करने के लिए, तो मम्मी ने बोला कि हार्ड मिट्टी को छोड़ो, अब करेंगे हम पानी के बाद, जब पानी हुए तब जाके इनको करेंगे। पूरे तीन चार तो कर लिए थे मैंने, फिर बोला मम्मी यार क्या बहुत ही बाजू में दर्द हो जाएगी, इससे अच्छा तो पानी तो होने वाला ही होगा राइट, तो तभी कर लेंगे। अभी सिर्फ बोला है कि गोबर बिछाओ और बस यही काम करो, तो हम गोबर बिछाने का काम कर रहे हैं। और मेरा बहुत ही ब्लैक ब्लैक आ रही हूँ यार, इतनी नहीं हूँ ब्लैक, चिट्टी हूँ मैं, ठीक है गाइस, तो गोबर बिछाती हूँ। एंड गाइस देखो इस तरह से इसमें गोबर बिछाया जाता है ऐसे कोने पे, फिर बाद में इसकी हम बढ़िया सी गुलाई करेंगे, ये देख लो तौलिए करके बढ़िया से मस्त फिर होते हैं, ताकि मिक्सअप हो जाए मिट्टी के साथ गोबर। मैंने तो गाइस गोबर का काम कर दिया है डन, बिछा बिछा के, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी कहाँ पे गए हैं, टॉप पे गए हैं, ये देख लो मम्मी ना उस पेड़ पे चढ़े हैं, इसको बोला जाता है बान हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे पता नहीं किस चीज का पेड़ होता है बट मैक्सिमम इसको बान ही बोलते हैं। तो मम्मी देखो उधर कहाँ पे चढ़े हैं यार, मम्मी गिर मत जाना यार, ये देख लो, और बाद में हमें ही उठाना पड़ेगा ही, अभी तो मम्मी निकाल रहे हैं बढ़िया से। मम्मी को देते हैं फिलहाल निकालने, और पुजू लगी उधर वो गंदे वगैरह जो होता है ना मतलब लकड़ी और कांटे वगैरह उनको जलाने, और मैं अब निचले वाली साइड पे जाती हूँ ताकि मम्मी ने जो ही निकाला है बाहर उसको इकट्ठा करती हूँ, फिर भाटू लगाती हूँ, फिर जाके हमने घर ही जाना है, और घर के बाद नहाना धोना है एंड फिर ना मेरा कुन्नो जाना है आज, भले ही कल पेपर हो बट कुन्नो जाना जरूरी है, क्योंकि आज हम फ्रेंड संडे है, कल मतलब मेरी फ्रेंड भी है सारी की सारी, उनके भी पेपर लगे, तनु के भी पेपर लगे, हिमांशु की बीएड कॉलेज है तो उसको छुट्टियां नहीं होती, आज ही संडे का दिन मिलता है जिस दिन हम गप्पे शप्पे मारते हैं। और आज ना मैं आपको कुन्नो, फिर ना मैं दूसरे मतलब कल आपको मेरा कुन्नो का ब्लॉग भी आएगा, मेरा होम टाउन कैसा मतलब मेरा जो एरिया है वो कैसा है सारा कुछ दिखाऊंगी वहां। अभी लगी हूं मैं बान को सोने, मतलब कि जो ये ना गाइस इसको लगी हूँ अच्छे से, मतलब भाटू लगाना है तो ऐसे कर रही हूँ इसको अच्छे से, और मेरा कैमरा बहुत ही दूर खड़ा है बिकॉज मैंने ये सेब की पेड़ पे लटकाया है, बिकॉज मेरा कैमरा कोई नहीं पकड़ता तो मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है। होप सो आपको मेरी आवाज भी आ रही हो, अभी मैं इसको कर लेती हूँ यार, ये रुको ऐसा काम फटाफट, कैसे मतलब मजे आ रहे हैं यार इसके बीच में, क्या ही काम है संडे के दिन, बट 3 बजे तक तो फ्री हो जानी मैं, फिर मैंने जाना है घूमने भी आज घूमने, अभी कर लेती हूँ फिलहाल ये वाला काम जिससे पहले कि इसका मैं सत्या। उधर
लग चुका है गाइस, मेरा भाटू रेडी हो गया है, अभी मैंने उठाना है और घर जाना है, फिर मेरे को दूसरे भाटू के लिए आना है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच चुके हैं और यहाँ पे भी रह चुके हैं। तो ये तो मम्मी ने मेरा भाटू रेडी कर दिया, अभी मेरे को दूसरी बार भी आना है गाइस। तो गाइस अभी मैंने एकदम से भाटू उठा लिया है, बहुत ही भारी है कसम से। और आज का जो मेरा ब्लॉग है आपको दिखाया, मैंने बगीचा दिखाया अपना, हमने कुछ तौलिए करे और गुलाई करी मींस, और उसमें गोबर डाला और बाकी मम्मी ने बाहर निकाला। अभी मैं घर जा रही हूँ। मम्मी थोड़ा रफ फोन यार, सीधा इस साइड को पकड़ो, नीचे को। हाँ मेरी मम्मी यार कैमरा मैन है, मेरा कैमरा कोई नहीं पकड़ता है और मम्मी भी कभी कभी ऐसे कर देती है। और होप सो आपको जो मेरी वीडियो है अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल।